हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद। इसके लिए मैंने एक पतीले में लिया है 1.5 लीटर दूध, जो कि फुल फैट है, और एक कप में मैंने लिया 2 टेबलस्पून विनेगर, और इसमें उतना ही पानी मैंने ऐड कर लिया है। आप विनेगर की जगह नींबू भी ले सकते हैं, उसके बीजों को निकाल के उसका रस भी ले सकते हैं। अब दूध थोड़ा सा गर्म हो गया, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे और चलाएंगे एक बार, ताकि ये पूरे दूध में अच्छी तरह से मिल जाए। इसी तरह से दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 0.5 लीटर दूध लिया है। टोटल मैंने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है कलाकंद को बनाने के लिए। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिसका हम छेना बना रहे हैं। ये देखिए, पूरा दूध जो है सेपरेट हो गया हुआ है और हमारा छेना तैयार हो गया हुआ है। एक उबाल आने पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूसरी साइड जो मैंने कढ़ाई में दूध रखा हुआ है, वो गाढ़ा हो रहा है, उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और मैं उसको साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। अभी अभी ये छेना तैयार हो गया, मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए, और इसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया है, ताकि इसमें विनेगर का टेस्ट ना रहे। अच्छी तरह से निकालने के बाद इस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूंदने में, ये वेस्ट नहीं होगा। अब मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसमें पनीर को डाल दिया है, जो छेना हमारा तैयार हुआ है, और इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया, ताकि थोड़ा सा जो पानी है इसमें वो भी ना रहे। अच्छी तरह से हम इसको ऐसे निचोड़ लेंगे, ताकि पानी निकल जाए। ये इतना पानी निकल गया, और इसके बाद मैंने पनीर को अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल कर, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली ना रहे। देखिए, इसको बिल्कुल हाथ से दानेदार कर लेना है। अब दूसरी तरफ जो मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, इसमें हमारा दूध जो है वो पककर 0.5 हो गया हुआ है। इसमें भी मैंने फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ, जब दूध रह जाएगा उसके बाद ऐड करेंगे हम 1/4 कप शुगर। आप चाहें तो इसमें देसी खांड भी मिला सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से दूध में घुलने देंगे। और जो पनीर हमने किया था, जिसको छेना भी बोलते हैं, और इसको हम डाल देंगे इस दूध के बीच में। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, वही प्रोसेस सेम करेंगे कि हाथ से मसलते हुए बीच में डालेंगे, ताकि कोई भी गांठ इसमें रह ना जाए। बहुत ही टेस्टी बनती है ये कलाकंद, ज़रूर बनाएं। मैंने राखी पे बनाई थी। फिर हम इसको हिलाएंगे, चलाते हुए मैश करते जाएंगे अगर लग रहा है। दूसरी तरफ हम एक टिन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप चाहें तो ऐसी थाली भी ले सकते हैं, ताकि हमें एक पूरी टुकड़ी की शेप मिले। कोई भी ऑयल आप अपनी पसंद का डालकर इसको पूरी तरह से फैला लें, ताकि जब हम इसको निकालें तो वो प्रॉपर एक टुकड़ी सी निकल के हमारे पास आए, चिपके ना नीचे। ये देखिए आप, अब इसमें मैंने कढ़ाई में डाला है इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे कलाकंद में। अब आप देख सकते हैं दूध सूख गया हुआ है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस टिन में अच्छे से, और अब प्रेस करके इवनली हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, ताकि एक पूरी टुकड़ी की शेप हमारे पास आए। ये आप देख सकते हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा क्रश पिस्ता का डाला है।
आप चाहें तो बादाम का भी रख सकते हैं, टुकड़ा केसर भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।